नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की शुरुआत के और उसके बाद उसके विकास के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। पहले व्याख्यान में हमने परिचर्चा की कि किस तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, प्रमाण सहित हमने ये पाया, भारत का चिंतन पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से बहुत अधिक प्राचीन है, परंतु उसमें माइथोलॉजी की एंट्री होने से वह भारतवर्ष में तो चर्चित हुआ, भारत में तो बहुत व्यापक हुआ, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस चिंतन को मान्यता नहीं मिली। और राजनीति विज्ञान, जिसकी शुरुआत एक विषय के रूप में अरस्तु के राजनीतिक चिंतन से मानी जाती है, उसको दुनिया भर के राजनीति विज्ञान का अध्यापन कराने वाले विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक साहित्य रचा गया, सृजित किया गया, वह भारतीय राजनीतिक चिंतन की इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं रखने का मुख्य कारण है। तो आइए इसके बारे में परिचर्चा करते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नवीन कथा साहित्य का विकास हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से, वैदिक कथा साहित्य के नाम से, ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। जब हम इस साहित्य के बारे में परिचर्चा करते हैं तो हमें एक कहानी के रूप में, एक इमेजन के रूप में, एक माइथोलॉजी के रूप में सोचना होगा। और स्किनर जो राजनीति विज्ञान शास्त्री हैं, उनका ये मानना है कि यदि हम किसी घटनाक्रम को समझना चाहते हैं तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा, उस काल में जाना होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा, तभी हम उस साहित्य को समझ सकते हैं, उस परिघटना को समझ सकते हैं, उस लिटरेचर को समझ सकते हैं। तो आइए कि आर्यों के आगमन और वैदिक साहित्य, कथा साहित्य की रचना क्रम का दो मुख्य आधार हैं, एक जो उपेंद्र सिंह की पुस्तक है और दूसरा के दामोदरन 1967 का जो लिटरेचर है, और इसके अलावा भूलर और स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जिन आगामी व्याख्यान में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ मनुस्मृति के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वैदिक कथा साहित्य का अनुक्रम क्या रहा है? हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर के हिसाब से, फैक्ट के साथ हम देखें तो जो ज़्यादातर वर्ल्ड और इंडियन हिस्टोरियन मानते हैं, वेल नॉन, वो अपने अपने व्यक्तिगत मत अलग हो सकता है, परंतु फैक्ट के साथ जिसको हम साबित करते हैं या नवीन खोजों से जो साबित होता है, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि वेद शब्द लिखा गया है, ये वैदिक साहित्य के आरंभ का मुख्य आधार है। आर्यों के आगमन, आर्य और अनार्य के विभाजन के बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। यहाँ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जहाँ वेद लिखा, देखो साथियों, पहले जिन वेदों की हम बात करते हैं तो चार तरह के वेद कहे गए हैं, परंतु अगर पुराने स्वरूप की बात करें, पुराने ऐतिहासिक स्वरूप की बात करें, तो ऋग्वेद, चार वेदों की जो बात कही गई है, उन वेदों में बहुत सी संहिताएं और सूक्त हैं अलग अलग, इनको आप वैदिक संहिता भी कह सकते हो। बेसिकली वेद जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है जानना, जिसे हम श्रुति कह सकते हैं। वेदों की रचना किसी ने नहीं की, वेद अपुरुषीय हैं और ये भौतिक कथा साहित्य का हिस्सा रहे हैं।
जो श्रुति परंपरा है सुनकर ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ना, जैसे लोक गीतों में, लोक गायन में, लोक साहित्य में हम देखते हैं, ऐसे ही केवल श्रुति साहित्य के रूप में वैदिक साहित्य का विकास हुआ। और ये वैदिक साहित्य कहानियों से, कथाओं से, कल्पनाओं से अधिक जुड़ा हुआ था। तो ऋग्वेद के सातवें सूक्त तक, जो लिखा गया है वह 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। ऋग्वेद के बाद जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद के सूक्त लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, श्रुतियां लिखी गई हैं, वो बाद की रचनाएं हैं, कालक्रम में बाद की रचनाएं हैं। इन चार वेदों में बहुत से अलग अलग सूक्तियां और श्रुतियां और स्मृतियां हैं जो धार्मिक साहित्य का हिस्सा रही हैं। वेदों का ही दूसरा जो भाग है जिसे वेदांग कहा जाता है, जिसमें उपनिषदों को हम शामिल करते हैं और वेदों से जुड़ी हुई अन्य कथा साहित्य को शामिल करते हैं। 108 उपनिषदों की मुख्य स्वरूप में हमें देखने को मिले हैं जिनकी रचना की गई है। बाद के साहित्य में ये 600 ईसा पूर्व से लगभग 200 ईस्वी के कालखंड में लिखे गए माने जाते हैं सर्वमान्य इतिहासकारों के अनुसार। तो वो वेदों का मुख्य हिस्सा, ये वेदों की बाद की रचनाएं हैं, वेद प्लस वेदांग, वेदों के बाद या जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं जो वैदिक कर्मकांड को आध्यात्मिक स्वरूप में प्रस्तुत करती हैं, वो उपनिषदों के स्वरूप में हमें देखने को मिलती हैं। इस कथा साहित्य के बाद दो बहुत से महाकाव्यों का जिक्र किया गया, जिनमें दो महाकाव्यों के बारे में आपको जरूर पता होगा, एक का नाम रामायण है और दूसरे का नाम महाभारत है। हालांकि इनकी दोनों कथा साहित्य में एक दूसरे का नोमिक्लेचर मिलता है, नाम मिलता है, पहले कौन सा है ये भी एक विवादास्पद स्थिति है, परंतु फिर भी लगभग 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के इस दरमियान इनको लिखा गया होगा ऐसा मानना है। साथियों, कागज का आविष्कार 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, इससे पहले कागज पर नहीं लिखे जाते थे। तो अब आपके मन में सवाल है कि कागज से पहले किस पर लिखे जाते थे? ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे, पेड़ की पत्तियों पर लिखे जाते थे, ऐसे हमें पाठ्य पुस्तकों के साहित्य मिले हैं, मंत्रोच्चार मिले हैं, संस्कृत श्लोक मिले हैं। वैदिक सभ्यता संस्कृत में लिखी गई, जिसको भाषाओं की जननी कहा जाता है, लाइक ब्रह्म लिपि, खोष्टी लिपि, पाली लिपि, प्राकृत लिपि, जो समानांतर विविध स्वरूपों में हमें देखने को मिलती है। महाकाव्य रामायण और महाभारत के बाद के जो कालखंड की रचनाएं हैं जिन्हें पुराण के नाम से जाना जाता है, सर्वमान्य पुराणों में 18 महत्वपूर्ण पुराण माने गए हैं। वेद से अतिशयोक्तिपूर्ण वेदांग और वेदांगों से महिमा मंडित पुराण, जो किसी विशिष्ट व्यक्तित्व को, नायक के कर्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, जिनमें विष्णु पुराण, गुरण पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, तमाम तरह के जो पुराण है, 18 तरह के मुख्य माने गए, उनका रचना काल जो कालखंड है वह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है, जहां अनेक पुराणों की और उनके समानांतर पुराणों की रचना की गई है जो किसी न किसी विशिष्ट व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। इसके बाद का जो कालखंड की हम बात करें तो उन्हें धर्मसूत्र साहित्य कहा जाता है। धर्मा वर्ड के स्थान पर रिलीजन आइडेंटिफाई हो गया, उस रिलीजन आइडेंटिफाई से कैसे हम अलग अलग साहित्य के बारे में जान पाते हैं वो हमें देखने को मिलता है। धर्मसूत्र साहित्य पर जो अलग अलग धर्मों पर टीकाएँ लिखी गई हैं वो 600 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईसा पूर्व इनका रचना और कालखंड माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वैदिक कथा साहित्य, कहानी वाले साहित्य की, वो लिखी जाने लगी, कागज का आविष्कार किया जाने लगा। हालांकि
कुछ स्मृतियों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, कुछ ग्रंथों के साक्ष्य मिलते हैं, पांडुलिपियां मिलती हैं, परंतु कुछ स्मृतियों के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। वो केवल कथा साहित्य का हिस्सा है। इन स्मृतियों की जो रचना है वो केवल उसी समय नहीं की, अपितु 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 900 ईस्वी तक अनेक स्मृतियों की रचना की गई। मेमोरीज, ऐसा लिटरेचर डिपेंड अपॉन मेमोरी, ऐसा साहित्य जो इस याददाश्त पर निर्भर था। आपको क्या याद है, आपने बताया, आपसे पूछा गया, लाइक डायलेक्टिक मेथड ऑफ सुकरात, द्वंद्वात्मक शैली जो है, प्रश्नोत्तर जो शैली है, मोनोलॉग शैली सुकरात की अगर आपने पढ़ी हो तो वो है। इन स्मृतियों में सबसे जो महत्वपूर्ण स्मृतियाँ रही हैं उनमें दो स्मृतियाँ मानी जा सकती हैं, एक मनुस्मृति जो आगामी व्याख्यान में हम पढ़ेंगे, और दूसरी याज्ञवल्क्य स्मृति जो वैदिक कथा साहित्य का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती हैं, जो काल्पनिक साहित्य का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो सामाजिक और धार्मिक जीवन व्यवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करती है, उनका रचना कालखंड है। इसके अलावा जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो बौद्ध साहित्य के मिलते हैं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के कालखंड में इनके समानांतर, पुराणों और स्मृतियों के समानांतर नहीं, महाकाव्य महाभारत और रामायण या वेदांग जो उपनिषद हैं उनके समानांतर हमें बौद्ध साहित्य के ग्रंथ मिलते हैं। और इन बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में जो उस समय के राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक चिंतन है, ऐसा चिंतन जो वेद वेदांग महाकाव्य पुराण और स्मृतियों से इतर एक समानता पर आधारित, समतावादी समाज पर आधारित, न्याय पर आधारित, गणतंत्र या लोकतंत्र को पसंद करने वाला या उसको बढ़ावा देने वाला साहित्य, भाईचारे को बढ़ावा देने वाला साहित्य हमें देखने को मिलता है, वह बौद्ध साहित्य है, जहाँ से भारतीय राजनीतिक चिंतन की पहली प्रामाणिक साहित्यिक शुरुआत मानी जाती है। इट इज़ द फैक्ट और इट इज़ द ट्रुथ, और यही सत्य है। जैन धार्मिक संहिताएं 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच लिखी गई, बहुत से जैन ग्रंथ लिखे गए जो भी उस समय की व्यवस्था के बारे में व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से अहिंसा और शाकाहारी व्यवस्था के बारे में। इसके बाद संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक संगम साहित्य की व्यापक रूप से रचना की गई, और इसी कालखंड में मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य नामक ब्राह्मण के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तिका भी लिखी गई। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व आरंभ होने के समय ऐसी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। साक्ष्य सबूत जो कथा साहित्य को आगे बढ़ाते हैं, कथा साहित्य को और आगे तक ले जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बौद्ध साहित्य को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया। इसके बाद तिरुकुरल और तमिल साहित्य 5वीं से 6वीं शताब्दी 600 ईस्वी में हमें व्यापक रूप से मिलता है, जो उस समय की व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। तो इसके बीच जो सबसे बड़ी बात है कि जो वेदों के बाद का साहित्य है बौद्ध साहित्य को छोड़कर, वह साहित्य राजतंत्र को पसंद करता है, वह साहित्य वर्ण व्यवस्था को पसंद करता है, वह कथा साहित्य देव व्यवस्था को समर्पित है, वह कथा साहित्य अन्याय को समर्पित है, वह कथा साहित्य भेदभाव पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। ऐसा साहित्य कैसे सर्जित हुआ इसके बारे में अगर हम जानें तो के दामोदर ने जो कुछ कुछ जगह अपनी बुक्स में लिखा है, आर्य और अनार्य विभाजन, कुछ वैदिक साहित्यों का स्रोत देते हुए उसका ये मानना है कि आर्य
वैदिक कथा साहित्य के अनुसार, कहानी के अनुसार, कल्पना के अनुसार आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। इट इज नॉट राइट बट इट इज, यू कैन इमेजिन दैट। आपको स्किनर के हिसाब से, इस कथा साहित्य के हिसाब से सोचना पड़ेगा, कहानी के हिसाब से, कि उन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसा ऋग्वेद के श्लोकों में लिखा हुआ है। और उन वो आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए, इसलिए आर्य और अनार्यों का विभाजन साहित्य में देखने को मिलता है। जीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी है, उससे पहले अगर हम देखें तो कृषि समाज नहीं था, मिटेरियन समाज था, मांसाहारी समाज था, कंद फूल फल खाता था, मांस खाता था, ट्राइबल आदि मानव का यही मुख्य व्यवसाय और भोजन था। शाकाहारी और वेजिटेरियन का जो कंसेप्ट है वो बहुत बाद में कथा साहित्य में, जैन साहित्य में इमर्ज होकर आता है। मूल स्वभाव से व्यक्ति शाकाहारी नहीं था, वह मिटेरियन था और जंगलों में वह कंदमूल फल भी खाता था, जानवर भी खाता था, पक्षी भी खाता था, कच्चा मांस भी खाता था। फिर बाद में जब आग पहिए खेती इसका आविष्कार हुआ तो उसको भोजन के दूसरे विकल्प भी मिलने लगे, इसलिए नया साहित्य आगे बढ़ता गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, विथ रेफरेंस के साथ मैंने पहले भी आपको बताया। आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, इन तमाम तरह के विद्वानों ने जो फैक्ट पाया है उसके हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। कृषि का भी आविष्कार था, कृषि के औजार मिले हैं, घर भी मिले हैं, तंबू, चित्रकारी, मृदभांड, मिट्टी के पात्र, शैल, ताम्र पत्रिकाएं, कांस्य प्रतिमाएं और उन जानवरों के साक्ष्य हड्डियां मिले हैं जो एक बर्निंग सिस्टम ने होकर दफनाने वाले सिस्टम का हिस्सा था, जो सबूत हमें मिले हैं, जिस वजह से मिले। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्य भारत में आए, उन आर्यों की जो इमेजिनेशन है वो अलग है और जो मूल भारतीय उनकी इमेजिनेशन अलग है। वैदिक कथा साहित्य में ऋग्वेद के अनेक श्लोकों में आर्यंस का उल्लेख किया गया है। आर्यंस अपना जो राजा मानते थे वो इंद्र को मानते थे। जो उस समय के अनार्य थे और आर्य थे उनकी इस नायक की छवि में अंतर था, उनके कौन नायक थी अलग अलग थी। आर्यों ने कुछ अनार्यों से और अपने नायकों को, लोकपालों को कल्पनाओं में साकार किया, वर्चस्व स्थापित किया, संघर्ष हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मूल भारतीय थे सिंधु घाटी सभ्यता के उस पार, जो सिंधु लोग थे, उन सिंधु लोगों को इस लिटरेचर में दास, दस्यु, मलेच, असुरों के नाम से कोट किया गया है। इन दी वैदिक लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं ऋग्वेद की संहिताओं। आर्यों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से गंगा के मैदानों की ओर। दक्षिण भारत में प्रभाव धीरे धीरे और बहुत बाद पहुंचा और बहुत कम पहुंचा और बहुत कम प्रभाव रखता है आज भी, परंतु उत्तर भारत पर यह बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। इस वैदिक साहित्य ने देवी साहित्य को जन्म दिया, धर्म व्यवस्था को, कर्म व्यवस्था को, कर्मकांड व्यवस्था को, रीति रिवाज व्यवस्था को, यज्ञ व्यवस्था को, बलि व्यवस्था को, राजा, स्वामी, राज्य मंडल,
सप्तांग सिद्धांत, देवी सिद्धांत, तमाम तरह की व्यवस्था को, दान दक्षिणा की व्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रचारित किया। यही कारण है कि बौद्ध साहित्य ने पहली बार इसको चुनौती प्रदान की, बाकी किसी ने चुनौती प्रदान नहीं की। और ये दिनों दिन, दिन दुगुना रात चौगुना इस गति से विस्तारित होता गया और यह 18वीं शताब्दी में तब हमारे सामने लिटरेचर में अवेलेबल हुआ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जब मैक्स मूलर ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के माध्यम से इन तमाम लिटरेचर का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और इंटरनेशनल सिनेरियो तक इसकी अप्रोच हुई। भारत में था, इसमें कोई संदेह नहीं है, अभी भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, परंतु इसके बाद इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स क्लास के द्वारा रेदर देन इंडिया, ऐसे भारतीय जो एशिया आरक्षण लेकर दूसरे देशों में चले गए, वहाँ से इस वैदिक लिटरेचर के पक्ष में अपने बयान देते हैं, बोलते रहते हैं, उन लोगों को छोड़कर जिनका नाम भी अलग हो गया है, अब वो एक अलग नाम से एडिटोरियल लिखते हैं, लेकिन रियल में वो मूल भारतीय हैं जो वैदिक कथा साहित्य के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं और जिस वैदिक कथा साहित्य की वजह से, इमेजिनरी लिटरेचर की वजह से उन्होंने सिंधु वासियों का भरपूर शोषण किया और उसी शोषण की बदौलत आज वो दुनिया भर के देशों में इंडियन डायस्पोरा के रूप में बैठे हुए हैं। हालांकि वो नहीं मानते, परंतु ये सत्य है, इसी की बदौलत भारत के लोगों को गुमराह करके जंजाल में, मकड़ी जाल में फंसाकर वो बाहर निकल गए और मूल निवासी इसी जाल में आज तक फंसे हुए हैं। आज़ादी के बाद इसमें कुछ कमी आई है, परंतु वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि संविधान बनने के बाद भी जो वैदिक साहित्य की व्यवस्था है वो बहुत अधिक प्रभावी है। इवन यहाँ तक कि जो संविधान की प्रस्तावना न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, भ्रातृत्व की बात करती है, उसको आज तक लागू नहीं किया जा सका। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ललित के द्वारा और हाल ही में जो सुनवाई चल रही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस शब्द का यूज किया गया है और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण पर बात चल रही है कि न्याय यहाँ लिखा हुआ है। प्रस्तावना जिसे पहले कभी 1950 के बेरूबाड़ी वाद में संविधान का अंग नहीं माना गया, केशवानंद भारती विवाद से पहले, सज्जन सिंह बनाम विवाद में, गोलकनाथ विवाद में, केशवानंद को छोड़कर इसको पार्ट नहीं माना गया। अब असेंशियल पार्ट है, मिनर्वा विल्स ने समर्थन किया और इसलिए प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, होना भी चाहिए, स्वागत योग्य कदम है, परंतु न्याय सबको मिलना चाहिए, समानता सबके साथ होनी चाहिए, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए और भाईचारा सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सब लोगों में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक जो भारतीय हैं, उन भारतीयों के साथ भारतीयता का, मानवता का, समानता, स्वतंत्रता का, न्याय का व्यवहार होना चाहिए, दिखना चाहिए, ये भी शो इंश्योर किया जाए सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, तब जाकर कोई बात बने। इसके बाद जो वैदिक साहित्य का जो समाज है, कथा साहित्य का, कथा साहित्य की समाज ने दो क्लासेस में अपने आप को इमर्ज किया, क्रिएट किया, सृजित किया, उत्पादक वर्ग और गैर उत्पादक वर्ग। ऐसा वर्ग जो शूद्र वर्ग था, जो वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है, जो उत्पादक वर्ग है, जो प्रोड्यूस करता है, जिसके पास कला है, जिसके पास शैली है, जिसके पास एक तरीका है जानवरों की खाल उतारने का, चमड़ा बनाने का, बालों की कटिंग करने का,
साजना सवारने का, नाई जिसको कहते हैं, लकड़ी का काम करने का, मिट्टी के बर्तन का काम करने का, मकान बनाने का काम करने का, खेती करने के काम करने का, खेती के औजार बनाने के काम करने का, तमाम तरह के लोग जो एक विशिष्ट कौशल रखते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्टिव क्लास उसको कहते हैं, प्रोडक्टिव क्लास उत्पादक वर्ग वो इसमें है। अनप्रोडक्टिव क्लास को इमर्ज किया गया जो रिचुअल्स को, स्पेशलिटी को प्रेसिस्ट क्लास के रूप में रन करता है, जो केवल और केवल इधर से उधर, उधर से इधर, जो केवल और केवल तीन उच्च वर्ण जिसको कहा गया है उसका समूह है, गैर उत्पादक ग्रुप के रूप में शामिल है। तो ये व्यवस्था वैदिक कथा साहित्य से इमर्ज हुई, जो अभी भी हमें देखने को मिलती है, जिसके हम साक्षात गवाह हैं। आप सामान्य रूप से एक बार इसको सोचकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो आज की तारीख में 29 सितंबर 2022 में जो आपकी जीवन शैली है, आपका जो जीवन जीने का तरीका है, आप जो काम करते हैं और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उसको पहचान कर आप इस कथा साहित्य की मूल आत्मा को, सोल को, ऑब्जेक्टिव्स को समझ सकते हैं। ये काम है एक शिक्षित और पढ़ने वाले नागरिक का, भारतीय का, छात्र का, कि वह थोड़ा सा अलग सोचे। ऐसा भी हो सकता है जो चला आ रहा है वो सत्य जरूरी नहीं, जो कहा जा रहा है सत्य जरूरी नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता, उसके लिए ज़्यादा बुद्धिजीवी की आवश्यकता नहीं। छोटी सी कॉमन बात है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन शासन कर रहा है, कौन शासन नहीं कर रहा है, लोकतंत्र में बहुमत किनके पास है और लोकतंत्र को चलाने वाले अल्पसंख्यक कौन हैं और क्यों हैं, ये मुख्य उद्देश्य। तो ये वैदिक साहित्य और आर्यों के आगमन पर व्याख्यान था। निसंदेह यह आपके चिंतन शैली को, सोचने की समझ को बढ़ाएगा। इस व्याख्यान में आपके लिए इतना ही। देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।